बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ चौधरी मोहम्मद अकबर एडवोकेट। मैं अपने चैनल अकबर कानून दान के हवाले से आप लोगों से मुखातिब हूँ। इससे पहले कि मैं तफसील में जाऊँ, मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, ताकि जो मेरी जो भी नई वीडियो है वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। दोस्तों, आज हमारा मौजू जो ज़ेर बहस है वो ये है कि अगर हस्बैंड या उसका रिलेटिव, कोई रिलेटिव अपनी बीवी से बच्चे छीन लेता है ज़बरदस्ती और उसको मारपीट के भगा देता है, या फिर अगर बीवी जो है वो अपने मेके में है और वहाँ पे बच्चे जो हैं उसके पास हैं, हस्बैंड या उसकी फैमिली में से कोई मेंबर उन बच्चों को ज़बरदस्ती छीन लेता है, तो उसका वापसी का क्या तरीकाकार है और किस तरह से वो बच्चे जो हैं वो वापस जो वालदा के पास जा सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार है, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे कि अगर हस्बैंड या उसकी फैमिली, यानी अगर शोहर या उसके घर वाले ज़बरदस्ती उसकी बीवी से उसके बच्चे जो हैं सकलिंग बेबीज़ हैं या बड़े हैं जो 15 या 18 साल की कम उम्र के हैं वो छीनता है, तो उनको किस तरह से वापस लाया जा सकता है। दोस्तों, इस मौजू पर बात होगी। तो इससे पहले मैं शायद ये बता चुका हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, बात यूँ है कि अगर कोई शोहर या उसके घर वाले फैमिली, उसमें कोई फैमिली मेंबर्स जो हैं वो अपनी बीवी के या उसके बच्चे जो हैं वो बीवी के पास जो बच्चे रह रहे हैं उनको ज़बरदस्ती छीनता है, तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। उसके लिए जो है वो सेशन कोर्ट में जो है वो आपको रिट दायर करनी पड़ती है, एक पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, जो सेक्शन 491 CRPC के तहत जो है वो एप्लीकेशन दी जाती है, ताकि माइनर या डिटेन्यू जो हैं उनको बागदार कराया जा सके या उनकी रिकवरी की जा सके। दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। जब आप एप्लीकेशन देते हैं उसी एप्लीकेशन पे फौरी एक्शन होता है और अदालत जो है वो एक उनको वारंट जो है वो जारी करती है और बजरिया पुलिस जो है आप उन बच्चों की रिकवरी के लिए जो है वो ये पिटीशन जो है वो फाइल करते हैं, और इस तरह से बजरिया पुलिस जो है वो बच्चे रिकवर करते हैं और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो बच्चे अदालत में पेश होते हैं, और जिस पे अदालत जो है जो सेशन कोर्ट है वो माँ के हवाले जो है वो बच्चे कर देती है और फर्दर उसमें मज़ीद ये आर्डर कर देती है कि अभी ये अगर डिफेंडेंट या इनका कस्टडी का कोई मामला है या नेचुरल कस्टडी का कोई मामला है तो वो गार्डियन कोर्ट में जाए और वहाँ पे जो है वो अपना दावा फाइल करें। और ये थी आज का टॉपिक हमारा कि अगर बीवी से शोर ज़बरदस्ती बच्चे छीन लेता है तो उसको उनको किस तरह से वापस लाया जा सकता है। दोस्तों, बहुत ही आसान और अच्छा तरीका है कि बजाय इसके कि आप लड़ाई झगड़े में पड़े, आप डायरेक्ट बजरिया वकील जो है पिटीशन दायर करें और वेरी नेक्स्ट डे जो है वो अदालतें, बजरिया अदालत जो है आप बच्चे जो है वो ले सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह आइंदा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।